डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में डोंबिवली में भीमकरी गानों का ऑर्केस्ट्रा, शहर भर रैली, शोभा यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था। इस मौके पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक सुभाष भोईर, पालिका स्थायी समिति दीपेश महात्रे, डोंबिवली शहर अध्यक्ष अंकुश गायकवाड़, डोंबिवली में शिवसेना शहर प्रमुख राजेश मौर्य उपस्थित थे। 128वीं जयंती रही है और पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मनाई जाती है और 200 देश में मनाई जाती है। और हमारा यही उद्देश्य है कि जयंती का मतलब है कि लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकरों के विचारधारों पर चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर जो जयंती शादी होती है वही उनको सही सच्ची श्रद्धांजलि है। और यही आपको राजौर शहर साहब डोंबिवली शहर अध्यक्ष है हमारे, इनके नेतृत्व में आज 30 के 35 सालों से ये जयंती शादी होती है और यही सबसे शादी होना चाहिए। और विद्यार्थियों को मैं हमारा लोगों के तरफ से और आपको राजौर की तरफ से कहना है कि सबसे ज़्यादा पढ़ लिख कर बड़े बनो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे विद्वान बनो, तभी ये जयंती का सार्थक अपने को मिलेगा। इस हिसाब से जयंती शादी होना चाहिए। इस प्रोग्राम में कितने लोग शामिल होते हैं? इस प्रोग्राम में कम से कम डोंबिवली शहर के 40 से 50 हज़ार लोग शामिल होते हैं। अभी 1 बजे तक यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस होने वाला है। अगर आपको टाइम है तो रुको, पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, वो स्टैचू को सारे डोंबिवली शहर के लोग जो 40-50 हज़ार लोग हमारे हैं यहाँ पे दलित समाज के, वो टोटली दलित समाज के नहीं, तो हिंदू समाज के, ब्राह्मण समाज के, मराठा समाज के, ओबीसी समाज के लोग भी यहाँ पर आके उनको अभिवादन करते हैं।